बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वाले कैसे दुआ मांगते थे, उनकी दुआएं कबूल क्यों होती थी। सैयदना जुन्नून मिस्री अबुल फैज़ आबिद रहमतुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों से कीजिए जो जालिमों के घर से गुजर जाते हैं और जाहिलों की उनसियत रखने से डरते हैं, अमल के फल से इखलास का नूर मिला देते हैं, हिकमत के चश्मे से पानी हासिल करते हैं, समझ और फितानत की कश्ती पर सवार होते हैं, यकीन की रूह में किला बनाते हैं, निजात के समंदर में दाखिल होते हैं और इखलास के किनारे पर लंगर अंदाज होते हैं। ऐ अल्लाह हमें उन लोगों से कर जिनकी रूहें बुलंदी में खाती पीती हैं, खुशबू के बागों से फल खाती हैं, खुशी के समंदर की गहराई में दाखिल होती हैं, ऐशो इशरत के प्याले से पीती हैं और वो लोग इज्जत के नीचे साया हासिल करते हैं। ऐ अल्लाह हमें उन लोगों से कर जिन्होंने सब्र का दरवाज़ा खोला, घबराहट की खंदकें ख़त्म कर दी, अजाब की सख्तियों से गुजर गए, हवा का पुल अबूर कर गए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी ही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। यानी जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो जन्नत ही उसका ठिकाना है। ऐ अल्लाह हमें उन लोगों से कर जिनके सामने हदायत के निशानात खुल गए, निजात के रास्ते वाज़े हो गए, जो यकीनी इखलास के रास्ते पर चले।